लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। अब सभी पार्टियां तीसरे दौर की तैयारियों में पूरे दमखम के साथ जुट गई हैं और लगातार सत्ताधारी पार्टी व विपक्ष रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान एक दूसरे पर वार पलटवार करने से भी नहीं चूक रहे। इसी बीच गुजरात के पाटन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर ताबड़तोड़ सियासी हमले किए। कहा कि आज ये सवाल है कि भारत का संविधान बचेगा या नहीं। ये भी कहा कि बीजेपी अगर एक बार फिर सत्ता में आती है तो वो संविधान को बदलने का काम करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी संविधान में फेर बदल करने के साथ साथ आरक्षण भी खत्म करने की फिराक में है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुस्तान में 1% लोगों 40% धन कंट्रोल करते हैं, ये देश की सच्चाई है। ऐसे में पीएम मोदी और बीजेपी के लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल ने कहा कि आरक्षण का मतलब है देश में पिछड़ों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों की भागीदारी। उन्होंने कहा कि निजीकरण और अग्निवीर जैसे काम आरक्षण को खत्म करने के तरीके हैं। जरा आप भी सुनिए इस दौरान राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है। के लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है और उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। दरअसल इससे पहले भी राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि बीजेपी का इरादा संविधान बदलने का है। वहीं रैली में राहुल गांधी ने कहा कि हमें मौका दीजिए, हम एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिससे आपके खाते में टकाटक पैसे क्रेडिट हो जाएगा। हम हर घर में एक महिला को लखपति बनाने वाले हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं।